हे भैया, जिम ग्रैनी थ्री में स्पाइडरमैन बनके खेलने वाले और सच में क्या करना, फिर तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे बिल्ली की बच्ची, मेरा बचपन का सपना कि मैं स्पाइडरमैन से मिलूं, आज तुम सच में स्पाइडरमैन बन चुके हो क्या? हाँ भाव, ये देखो यार, मैं सच में स्पाइडरमैन बन चुका हूँ यार। ग्रैनी ग्रैंडपा को जाली मार के भी मार सकता हूँ यार। अरे बिल्ली, तुम तो सच में स्पाइडरमैन बन गई, मगर ये क्या हुआ? यहाँ पे तो ग्रैंडपा आ गए घर लेके, जल्दी से भागो भागो वरना तेरी और जाएंगी। टक टक क्या क्या, ओ चुन्नू कहेगा क्या करा, जल्दी से भागना वरना घर लेके मार देगा ग्रैंडपा। हे भैया, नहीं मार पाएंगे यार, क्योंकि मैं स्पाइडरमैन हूँ ना। आज ग्रैंडपा आ जाओ, आज तो तेरी बैंड बजने वाली है यार। अरे बिल्ली की बच्ची, तुम उसको कहाँ पे लेके जा रहे हो? जल्दी से जाली फेंक के मार दो नच के उसका। हाँ बाप, अभी मारता हूँ यार, आ जाए ग्रैंडपा, आ जाओ जल्दी से, मुझे छुपना पड़ेगा यार। और क्या हुआ, मेरा तेरी जाली निकल नहीं रही है क्या? हे भैया, ऐसी बात नहीं है यार, मगर भैया जब भी मेरे हाथों में खुजली होती है ना, तभी भैया मेरे हाथों में से जाली निकलती है यार। अरे ये क्या मुसीबत है, वो तुमको खुजली ओढ़ने के लिए अभी कितना टाइम लगेगा? जल्दी से खुजली लाओ वरना ग्रैनी ग्रैंडपा हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्या? भाओ, रुको रुको यार, मुझे खुजली आ रही है यार, जल्दी से भैया पियाने के ऊपर खुजा लेता हूँ यार। अरे ये क्या हुआ, लगता है ग्रानी भी आने वाली है। अरे ये क्या, मम्मी ग्रानी का नाम लिया और बुढ़िया तो आती है, जल्दी से मारो। और ये क्या मिलना, तूने तो जाली के अंदर में ही और ग्रानी को खत्म कर दिया, ग्रैंडपा की बारी। अरे ये क्या हुआ, तुमने तो ग्रैंडपा को भी मार दिया, ग्रानी को भी मार दिया, ग्रानी के एक तीर से 200 निशान इसके उठ गए। हाँ भाओ, इसी को तो बोलते हैं यार स्पाइडरमैन होगी का कमाल। और मैंने, तू तो सच में स्पाइडरमैन होगी बन गया। अरे बिल्ले, उसका मुंह तो देखो ना, कितना सड़ा हुआ हो गया, उसको तो ये भी नहीं पता चला कि हमको जाली किसने मारी और दोनों पति पत्नी की तुमने डाक डिकी कर दी उसका। ओए वाह, मैंने तुमने तो कमाल कर दिया, ग्रैनी ग्रैंडपा को तो ये भी मालूम होने नहीं दिया और कि तुम स्पाइडरमैन बन चुके हो मन्ना। हाँ भैया, यही तो स्पाइडरमैन होगी का कमाल। अभी भैया मैं सीधे जाऊंगा यहाँ से, गन को रिलोड करने के बाद मैं कौवे की ढकड़की का नहीं, और मन्ना कौवे की बैंड तो मैं अपने हाथों से बजाऊंगा, तू टेंशन क्यों लेता है। और तेरा भैया है मन्ना, उसको गन से उड़ा देगा। अरे बिल्ले के बच्चे, तो फिर टेंशन किस बात की, जल्दी से ये रहा कौवा, उसको मारो रे बाबा वरना ये हमको काटेगा। अरे देखो ना बुआ, नाम लिया और इसने तो कार्ड भी दिया क्या? हे भैया, रुको रुको यार, बिना कौवे को मारे ये स्विच बोर्ड की को मैं ले सकता हूँ यार। और आगे के बच्ची, ये तुमने कैसे किया? और मंडे, तो मेरे समझ से बाहर है, और तेरे को कौवे ने काटा क्यों नहीं? क्योंकि तुम स्पाइडरमैन हो इसलिए ना बुआ। हाँ भैया, बाबा ने बिल्कुल सही बोला यार, क्योंकि भैया मैं स्पाइडरमैन हूँ ना, तो ये कौवा भी मेरी पैर नहीं बजा सकता यार। और मन्ना, आखिरकार मैंने कौवे को मार दिया, अब चलो मन्ना जल्दी से स्लैंडर के हाउस में चलते हैं। अरे तुम यहाँ पे क्यों आए बुआ, उसकी ढकी ढकी करने तो नहीं आए ना? अगर तुमने उसको हाथ भी लगाया ना, तो ये ग्रानी की बच्ची तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है क्या? ओए पागल बाप के बच्चे, मेरा मुन्ना भी उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरा मुन्ना स्पाइडरमैन बन चुका है ना। हाँ भैया, मगर यहाँ पे हम ऊपर क्यों आए यार? और मुन्ना ऊपर ये डंडा लेने के लिए आया, एक्सीलेटर वाला मुन्ना। अरे ये तुम्हें यहाँ से मिल गया क्या बुआ, मुझे तो पता ही नहीं था, लगता स्लेंडरना बेबी की बच्ची ने यहाँ पे कोने में छुपा रखा होगा और तुमको बोला भी नहीं, मुझे तो ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही क्या? मिन्नस बॉस को खोलने के लिए क्रोबार की जरूरत पड़ेगी। मिन्नस, उसको लेके आना था ना? हाँ भैया, उसको लेके तो आना था यार, मगर उसको बाद में लेंगे। चलो भैया, जल्दी से ग्रैनी ग्रैंडपा की ढकी ढकी करने चलते हैं यार। और ये देख मिन्नस, शिकार खुद चल के अपने सामने आ गया। और मिन्नस, जल्दी से मकड़ी का जाला फेंक। हाँ भैया, अरे कट अब ये लो भैया, मैंने मकड़ी का जाला फेंका और इसकी भैया हो गई ढकी ढकी। अरे क्या तो बात है बाबा, तुमने तो ग्रानी को धूल चाटते हुए कर दिया। अरे ग्रानी की बच्ची देखो ना, तुमने तो बैट बजा दी क्या? ग्रैंडपा के बच्ची, ये ले यार, तुझे भी मैंने मकड़ी का जला फेंक के भैया मार दिए यार। अरे क्या तो बात है बाबा, तुमने तो उल्टे टांग और उल्टे सर में ग्रैंडपा की कर दी ठक ठकी, अभी उसका कचम्बर भी बनाने वाले हो क्या? अरे उसकी टांग तो दरवाजे के अंदर फंस गई बाबा, उसको मत मारो, ये तो ऑलरेडी मर चुका है ना क्या? हाँ भैया, ये तो ऑलरेडी मर चुका है यार, उसको मत मारो। और चल ठीक है मन्ना, तू बोलता है तो जाने देता हूँ, और दरवाजा खोल के मन्ना, और भी तो काम करने है ना। अरे बिल्ला मत मारो।
मारो, मैंने बोला ना, ये देखो ना, ये तो कब से मरा हुआ है, मरे को मत मारो वरना तेरी ग्रानी टाका टिक्की कर देंगी। और ढके ढकी करने की उसकी हिम्मत नहीं है। और ये देखो मिन्ना, मुझे यहाँ से क्या मिला? अरे भाई, आपको तो यहाँ से कोकोनट मिल गई। और मगर दिल्ली की बच्ची, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आखिर काम इस कोकोनट को कमर के अंदर क्यों डाल दिया? ग्रांड भी कितनी पागल है, उसने उसको पता चलना चाहिए ना कि इस नारियल को उसके अंदर नहीं फेंकते क्या। चल ठीक है, ग्रानी तो पागल है, तू भी पागल है क्या? और जाने दे मन्ना, जल्दी से यहाँ पे रख के उसको दबा दे। और ये देख मन्ना, यहाँ से कॉइन भी मिल गया। हाँ भैया, आखिरकार में कॉइन मिल गया, और स्टोन को भी उठा लेते यार, बाद में काम आएगा। अरे बिल्ली की बच्ची, तुम्हें इस पत्थर की क्या जरूरत? तुम तो ऑलरेडी स्पाइडर मैन हो ना, स्पाइडर मैन बन के मकड़ी का जाला फेंको, ग्रानी ग्रांड की ढके ढकी कर दो, बस यही तो काम है क्या? हाँ भाओ, मगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा यार, नीचे वाली मशीन को मारने के लिए ये वाली स्लिम फ्लॉट काम आने वाली है यार। ओ यार मुन्ना, बिल्कुल सही बोला। ये क्या ग्रानी, ये ले ग्रानी, तुझे भी मकड़ी का जाला फेंक के मार दिया यार। आओ, अरे बिल्ले के बच्चे, तुमने तो ग्रानी को एकदम सड़ा सड़ा के मारा। ये टकला ग्रांड पर भी कैसे हो गया, उसकी भी तुमने बैट बजा दी। हाँ भाओ, एक तीर से दो तो निशान यार, यही तो है स्पाइडरमैन का कमाल। और चल ठीक है मन्ना, इन दोनों को तो तुमने मार दिया, अभी जल्दी से सामान भी ढूंढनी है ना, उसको छोड़ दे मन्ना। हे भैया, आज नहीं छोड़ूंगा ग्रैनी ग्रैंडपा को, उसने भैया हमारी बहुत ही बार बैंड बजाई ना यार, उसको भी तो भैया सबक सिखाना बाकी है ना यार। और मन्ना रहने देना, कितनी बार सबक सिखाएगा, और तूने कितनी बार क्या क्या न जाने बन के मन्ना इन लोगों की बैंड बजाई है। अरे ये क्यों बोला, उसकी टांगे तो फंस गई। अरे मरे हुए को क्यों मार रहे हो बोला, वो तो ऑलरेडी मर चुका है ना, उसके अंदर टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से सामान ढूंढने में हमारी हेल्प करो। हाँ भाओ, तुमने बिल्कुल सही बोला यार, कॉइन को उठा के जल्दी से भैया टिकट को बुक कर दे यार। और चल ठीक है भैया, यही तो है कमाल, और जल्दी से 200 टिकट को बुक कर लेते ना, इसके बाद में मेरी ट्रेन भी यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगी भागने के लिए। ये डॉलर कॉइन, और निकल गई टिकट, जल्दी से बोला इस मशीन को दे देते ये वाली टिकट, उसके बाद में ये टिकट का दरवाजा नहीं मम्मी, मैं भी कितना बुद्धू, ट्रेन का दरवाजा खोल देंगी। और बिल्कुल सही बोला भैया, ये देखो ट्रेन का दरवाजा तो खुल गया, अब आएगा ना असली वाला मजा, इसके अंदर मुन्ना सामान भी लगा पाएंगे। अरे ये देखो ना बोला, प्लैंक भी तो यहाँ से मिल गया, इसको भी तो हमें ले जाना है ना। हाँ भाओ, इसको तुम चाहो तो ले जा सकते हो यार ट्रेन के अंदर, जल्दी से ट्रेन के अंदर डाल दे भाओ, ताकि ये हमारे साथ में घर पे पहुंच जाएंगे यार। आओ, अरे मशीन के बच्चे, तुम किसी को बताना मत, अगर ग्रैनी ग्रैंडपा को तुमने ये बता दिया ना तो तेरे कर दूंगा टक्कर 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 टक्कर। और पागल बाप के बच्चे, ये नहीं बताएंगे, ये बोल भी तो नहीं पाएगा ना। हे भैया, ये देखो ना यार, ग्रैनी खुद चल के भाई अपनी मौत सामने आ गई। ये ले ग्रैनी, कैसा लगा यार डॉन का मकड़ी का जाल? आओ, मकड़ी का जाला तो मुझे बहुत पसंद आया भैया, अभी ग्रैंडपा को तो बुलाओ ना, ये ग्रैंडपा बुड्ढा कहाँ चला गया, उसकी ग्रानी का तो मर्डर हो गया, मगर वो पता नहीं कहाँ घूमे जा रहा है। अरे आजा ग्रैंडपा आजा, तेरी भी ठक ठकी ना की ना तो हमारा नाम भी स्पाइडरमैन होगी नहीं क्या? और बिल्कुल सही बोला बाब, और आजा ग्रैंडपा आजा, आज तेरी बुरी तरीके से ठक ठकी होने वाली है। हाँ भैया, मगर उससे पहले हमें यहाँ से सामान को भी तो उठाना है ना यार। मेरा सामान बमान से बाद में उठाना, पहले ग्रैंडपा की ठक ठकी कर देना, उसको देखने में मुझे और भी ज्यादा मजा आता है मुन्ना, और दिल को सुकून मिलता है मुन्ना। अरे बिल्कुल सही बोला भो, अभी ग्रानी के भी आने का इंतजार करेगा क्या, दोनों को एक साथ में मारेगा क्या? हाँ भाओ, दोनों को एक साथ में मारूंगा यार, मगर ये ग्रानी की बच्ची आखिरकार में कब स्पॉन होगी यार? और रुक जा मुन्ना, मैं गन से उड़ा देता हूँ। मगर इसके अंदर गन की गोली भी नहीं है, तुम्हें रिलोड करनी होगी गन। अरे तुम्हारी को गोली कहाँ से मिलेगी भो? और पागल बाप के बच्ची, ये रही ना गोली, जल्दी से रिलोड करता हूँ, आ जा टकले ग्रैंडपा आ जा, ये ले मुंह में खा गोली। आओ, अरे क्या तो शॉट मारा भैया, तुमने तो ग्रैंडपा के मुंह में गोली मार दी और उसकी चटनी बना दी, मारे वाह भैया, मानना पड़ेगा तुमने तो ग्रैंडपा को अच्छा मजा चखाया। मगर ग्रानी भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो भी बदला लेने के लिए आएगी ग्रैंडपा का। हे भाओ, माने दो ना ग्रैनी को यार, मैं उसको भी देख लूंगा, मकड़ी का ऐसा जाला लगाऊंगा कि वो छटकना भी भूल जाएंगी यार। यार मुन्ना बिल्कुल सही बोला, तो तूने स्पाइडर मैन बन के ग्रैनी ग्रैंडपा के साथ में आज लैंडर ना तो मिल ही रही, मुन्ना उसको भी तो बुलाना। अरे बिल्ली की बच्ची, वो तो ऊपर ही अपने रूम के अंदर बैठी होगी, उसको तो शायद पता भी नहीं होगा कि हमने स्पाइडरमैन बनके ग्रानी
ग्रैंड पकी टकर टकी कर दी आज के उस गांव। और ये क्या आखिरकार में स्लिम स्लॉटो इधर ही मिल गई। और अब आएगा ना असली वाला मजा, उसको यहाँ से नीचे फेंकूंगा और मरना, इससे हम उस मशीन की भी टकर टकी कर पाएंगे। हाँ भैया ये तो हमने सोचा ही नहीं था यार। अरे मारो ना बुआ, उसको जल्दी से मारो सर में क्या उस गांव। और मरना सर में मार दिया, मगर उसको एक और भी गोली लगानी पड़ेगी तब जाके मरेगा मरना। हाँ भैया मगर पार्क की साइड में सही है, मैं एक और भी स्टोन ढूंढना पड़ेगा यार। ग्रैनी आ गई। हे ले ग्रैनी, तुझे भी मैंने फिर से मार दिया यार। तू कितनी बार आएगी मेरे हाथे मार खाने के लिए पता नहीं भैया। ये तो भैया बार बार आ जाती है बुढ़िया कहीं की। अरे ठकटकी ठकटकी डा, उसकी तो तुमने कर दी। मन्ना पागल बाप को तो देखो, मन्ना कितना खुश हो गया। हाँ भैया मैंने भी देखा यार, मैंने दोनों की बैंड बजा दी ना, तो भैया पागल बाप भी बड़ा ही खुश हो गए यार। अरे बिल्ली की बच्ची, इतने दिनों के बाद में जमकर ग्रैनी ग्रैंडपा की पिटाई की है तो फिर मजा तो आएगा ना। तो दोस्तों आप लोग क्यों बैठे हो खाली, जल्दी से दबाओ लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पे ताली क्यों। और पागल बाप की बच्ची ये लोग दबा देंगे, और अभी तक तो उसने दबा भी दिया होगा ना मन्ना। हाँ भैया दबा दिया होगा यार। तो चलो दोस्तों जल्दी से एक्सीलेटर को भी लगा देता हूँ यार। ओह मन्ना ये चीता तो लाना ही भूल गया। और मन्ना ट्रेन की कहाँ गई, वो तो उन्हें ढूंढी नहीं थी ना। अरे भैया मैं तो भूल गए यार। चलो आबरे का डाबरे अभी करता हूँ यार, जल्दी से भैया खोल के ला दूंगा यार, टेंशन क्यों लेते हो यार। आओ अरे बिल्ली की बच्ची, मुझे तो लगता है वो की सिलेंडर ने की हाउस में पड़ी होगी, जल्दी से वहाँ पे जाना पड़ेगा और उसके बाद में तुम्हें वहाँ से की भी मिल जाएंगी। मगर उससे पहले बुआ जल्दी से यहाँ से स्टोन को लेते। अरे ये क्या, ये कौन सी चाबी है? अरे ये नहीं बुआ, ये तो सेट की है, हमें तो वो चाहिए सेफ की ना। उसके बाद में सेफ की में लगता है हमें वो ट्रेन की मिल जाएंगी क्या। और मैंने ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और बाप ने शायद बिल्कुल सही बोला, और इस लॉकर के अंदर ही हमारी ट्रेन की पड़ी होगी। अरे बिल्ली के बच्ची, तो फिर टेंशन किस बात की, जल्दी से जाएंगे ना सेफ लॉकर को खोलेंगे, उसके बाद में हमें आज से ट्रेन की भी मिल जाएंगी क्यों क्या। और मगर ये क्या मन्ना, ग्रैंडपा का बच्चा भी पीछे आ गया। आ जा ग्रैंडपा आ जा। और मन्ना मकड़ी का जाला फेंकना। हाँ भैया फेंकता हूँ यार, आने दो ग्रैंडपा को पीछे भी चाहिए, जल्दी से भैया उसको नीचे लेके आता हूँ यार। और मन्ना एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई, ट्रेन की को लाना तो भूल ही गया मन्ना। अरे बिल्ले हो जाती है काम काम में और बातों बातों में गलती हो जाती है। चलो जल्दी से ये वाले सारे लीवर को एक्टिवेट कर दो ताकि बिजली की कनेक्शन भी ऑन हो जाए और ग्रैनी भी आ जाए, ग्रैंडपा भी आ जाए, दोनों की बैंड बज जाए, जल्दी से मशीन की को लगा निकल जाएंगे। अरे क्या तो बात है बुआ, तुमने तो पूरा मशीन का हुलिया ही चेंज कर दिया। अभी चलो बुआ जल्दी से जाएंगे और वो हमें लॉकर को खोलना पड़ेगा, मगर उससे पहले ग्रैनी का सामना करना पड़ेगा ना बॉब। हाँ भैया ये ग्रैनी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है, और मुझे फिर से मारना पड़ेगा, आबरा का डाबरा करना पड़ेगा यार। और चल ठीक है मन्ना, कर देना आबरा का डाबरा। भैया ये मौका अभी चौका मारने का नहीं यार, ये भैया मौका है यार ट्रेन की को ढूंढने का यार। अरे बिल्कुल सही बोला बुआ, जल्दी से जाएंगे ट्रेन की को ढूंढने के लिए। अरे कहाँ गई हमारी पेरिस ट्रेन की, जल्दी से आ जाओ। अरे ये सेफ की मिल गई ना, जल्दी से सेफ लॉकर के अंदर लगाएंगे। और ये देखो बुआ आखिरकार में मैं यहाँ से ट्रेन की मिली गई क्या। और खा मेरी मकड़ी का जाला, कैसा लगा भैया? और मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, ग्रैनी को कैसा लगा वो पूछना मन्ना। अरे बिल्ली की बच्ची, जब हमको मजा आया तो उससे क्या लेना देना, उसको तो मजा आई होगा ना, वो देखो ना बुआ उसकी शक्ल तो देखो कितनी सड़ी हुई है क्या। और बाप ने बिल्कुल सही बोला, चलो मन्ना अभी ट्रेन की को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं मन्ना, वरना ग्रैनी फिर से जिंदा हो जाएगी। हाँ भैया अभी तो किसी से टेंशन लेने की और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और क्या भैया मैंने स्पाइडरमैन बन के ही सबकी बैंड बजा दी है यार। अरे बाकी में बुआ मुझे तो आज की गेम प्ले में बहुत ज्यादा मजा आया, दोस्तों आपको भी आओ ना तो जल्दी से लाइक को लाइक के बटन को दबा की और सब्सक्राइब बटन को दबा की, जल्दी से बताना क्यों क्या। और पागल बाप के बच्चे वो तो बता देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे पक्के वाले दोस्त है ना। हाँ भैया ये सारी बातें छोड़ो यार, और चलो भैया ट्रेन की को लगा के भाग जाएंगे यार। आओ जल्दी से मैं गया अंदर, और दरवाजा बंद करो बुआ, मन्ना गई ग्रैनी ग्रैंडपा फिर से जिंदा होके तुम्हारी बैंड बजाने ना आ जाए क्या। हे बाओ मैं स्पाइडरमैन बन के यहाँ से भागने वाला हूँ यार, ये लगाए ट्रेन की। और भैया लीवर को दबाओ, और लीवर नहीं एक्सीलेटर को तेरा भैया ने दबा दिया। और तो चलो मन्ना मैं ट्रेन तो चलने लगी, और बगी की रेलगाड़ी। आओ अरे स्पाइडरमैन होगी की तो रेलगाड़ी चलने लगी क्यों जाओ। हे भैया तो बहुत ज्यादा मजा आया यार, हमने स्पाइडरमैन होगी बन के ग्रैनी ग्रैंडपा और साथ में स्लेंडरमैन की टकटकी कर दी यार।
और तो फिर चलो दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई ना तो जल्दी से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो दोस्तों, मेरे छोटे से नन्हे से प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए टक्कू टिक्की और इसके ऊंचे वाला शाउट आउट। और तो फिर चलो दोस्तों, फौजी की तरफ से भी आप सभी को 2.5 किलो टक्कू टिक्की वाला शाउट आउट। और इसमें कोई भी शक है ना तो बता देना। तो फिर चलो दोस्तों, स्पाइडरमैन ओगी की तरफ से भी आप सभी को बड़ा वाला और वल्का बेस शाउट आउट। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो को सपोर्ट बनाए रखना और ये भी कमेंट करके बताना यार कि आगे हम ग्रैनी 3 में हल्क बन के खेले या ना खेले यार। और बिना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है बिना। अरे क्या तो बात बोली बोलो, मुझे तो हल्क दादा बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताना इसकी वीडियो डाले या ना डाले। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते अगली वाली वीडियो में।